मई की एंड में मैंने सैमसंग का एक नया फ़ोन परचेज़ किया था, पर कभी कभी होता है कि लोग फ्रॉड निकल आते हैं और बहुत बेकार चीज़ को वो सेल कर देते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो जिस दुकान से मैंने लिया था उस समय तो मैं एक्साइटमेंट में आपको सब अच्छा अच्छा यही बताई थी, पर जब मैंने एक्सपीरियंस लेके देखा तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि शॉप वाले लोग निकले और उन्होंने कहीं ना कहीं पुराना प्रोडक्ट मुझे सेल कर दिया नया दिखाकर। तो मेरा काफ़ी उसमें मुझे इतना लॉस हो गया है, इस लगभग 30,000 रुपये का मैंने ये फ़ोन लिया था और इसके लिए मुझे बार 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 सर्विस सेंटर आके कुछ कुछ चीज़ों को रिपेयर करवाना पड़ रहा है। अब उनका क्या गया, दुकान वाले ने तो बेच दिया, उसको क्या हुआ, अपना प्रॉफिट लिया और चला गया, और पर लॉस तो हमें भुगतना पड़ता है जो ख़रीदते हैं। खैर, मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी और आप मेरे आसपास रहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी उस दुकान पे से जाकर फ़ोन ना ख़रीदें, क्योंकि वो एक सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैंने वहाँ पर बहुत लोगों को देखा है जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। इवन सर्विस सेंटर पे भी जब मेरे से पूछा गया कि आपने कहाँ से फ़ोन ख़रीदा है, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे दिखाया कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट उसी शॉप वाले की आ रही है, तो हो सके तो वहाँ से सामान ना ही ख़रीदे तो बढ़िया है। फिर मैं अपने जो काम करवा के लगभग 3, 4, 5 बार मैं सर्विस सेंटर गई हूँ और वहाँ से इस फ़ोन को बार 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 रिपेयर करवाई हूँ। अब चल रहा है जैसे भी है, मैं बस टारगेट लेके चली हूँ कि 2-3 साल में इस फ़ोन को यूज़ कर लूँगी, फिर उसके बाद इसे हटा दूँगी कोई और अच्छी शॉप से या फिर ऑनलाइन मैं चीज़ परचेज़ करूँगी। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती या उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ही अच्छी लगती हैं, कुछ भी मंगवाना। ऑफलाइन शॉपिंग करने में लोग आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं और अपनी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताएंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, चाहे आपको पसंद नहीं भी आ रही होगी तब भी आपको यही कहते रहेंगे कि यही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि उनके पास सिर्फ वही अवेलेबल होता है और वो उसको बस बेचना चाहते हैं, उन्हें ग्राहक से कोई मतलब होता ही नहीं है। तो इस चीज़ में मैं देखती हूँ तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है। ऑनलाइन में ना तो हमें किसी से बहस करनी है, हमें नहीं पसंद आता है तो हम चीज़ को रिटर्न कर सकती हैं, इजी पेमेंट का लेन देन चलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रही हूँ तो ये कैटल भी मैंने फ़्लिपकार्ट से लगभग 3 साल पहले ली थी, आप लोगों को मैंने वीडियो दी है उसकी, तो अभी तक एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती, और अगर मुझे बाई चांस पसंद नहीं आती तो मैं इजी रिटर्न था वापस कर सकती थी और मेरा पैसा एज़ इट इज़ वापस आ जाता। और ऑफलाइन में आप ये खुद ही देख लीजिएगा कि कभी भी आप जाते हैं तो पहली बात तो दुकानदार आपके बजट पूछने के अलावा आपको कुछ दिखाते नहीं है, फिर आपको उसमें से पसंद नहीं आ रहा होगा तो ज़बरदस्ती आपका बजट बढ़वाते रहेंगे। दूसरा, फिर आप लोगों को वो क्वालिटी वो चीज़ देंगे ही नहीं जिसकी आप डिमांड करते हैं। हाँ, ये चीज़ फिर आप जाइए हाई ब्रांड वालों पे, जहाँ पर आपको एक दाम वाली दुकान मिलती है, जहाँ आपको बार्गेनिंग करना ना पड़े और आपको पसंद आए तो ले आइए, नहीं पसंद आए तो छोड़ के आइए, ये चीज़ अलग हो जाती है। और तब भी कई बार मैंने खुद पर्सनली ये बहुत बार नोटिस किया है कि हमें चीज़ पसंद नहीं आती और हमें रखनी पड़ती है, और कई बार शर्म के मारे भी लोग ये सब काम कर लेते हैं, बट मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करती। मुझे लगता है कि पैसा हमारा जो भी ख़रीदारी कर रहे हो उस व्यक्ति का खुद का है और वो सब जानते हैं कि पैसा हम कैसे कमा रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ मनी नहीं करनी चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो शोरूम पे जाकर भी, बड़ी शॉप पे जाकर भी देख लेती हूँ और नहीं कभी कभी लोकल शॉप से भी शॉपिंग करी आती हूँ। तो मुझे कोई ये चीज़ नहीं लगती है कि लोकल चीज़ें नहीं ख़रीदनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल रहना चाहिए, तो लोकल चीज़ें भी ख़रीद लेनी चाहिए, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए, खैर सारा काम मैं कर चुकी हूँ तो मैं आपको अब नीचे लेके चलती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो पार्किंग वाला एरिया है ना, वहाँ पर लग रहे हैं टाइल और बड़े खूबसूरत से ये डिज़ाइन बन रहा है, तो नीचे सारा फैला हुआ ही, अभी आने जाने में थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि टाइल वगैरह लगते हैं तो थोड़ी सी सेफ्टी रखनी भी पड़ती है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है, जब पूरा लग जाएगा तो काफ़ी सुंदर सी इसकी लुक हो जाएगी। अभी तो बस आपको पता ही है कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो घर की क्या हालत रहती है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। यहाँ हर्षिता बैठी है, देखिए नीचे। मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है। दिखाओ दिखाओ शक्ल अपनी, देखने लायक है दिखाओ। अरे नहीं है, तभी तो बना कर रही। अब हाय करो। ये हाय होता है, पता नहीं चेहरा छुपाना होता है। मैंने अपने लिए मंगवाई है ये विटामिन B12 की टेबलेट्स, क्योंकि बहुत काफ़ी समय से मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे वीकनेस ही फील होती है। तो ऐसा लगने लगा कि थोड़ा बहुत हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। आप लोगों को पता है मुझे थायराइड का थोड़ा इशू है, थायराइड की टैबलेट मॉर्निंग में लेनी होती है, वो तो मैं रेगुलर लेती हूँ। बीच में मैंने कुछ दिन छोड़ दी थी, उसके बाद जो मैं डिस्टर्ब हुई हूँ वो मैं ही जानती थी। फिर मैंने कान पकड़ लिए और मैंने कहा नहीं, इस टैबलेट का खाना नहीं छोड़ूंगी, तो टैबलेट तो मैं हमेशा लूँगी। और विटामिन B12 है, थोड़ा सा मुझे इससे एनर्जी मिल जाए, मैं ऐसा चाह रही हूँ। इसमें लिखा है कि एक टैबलेट लेनी होती है खाना खाने के बाद। तो ये मतलब मैं खाने एक दिन में चार बार खाएंगे तो चारों खाने के बाद लेनी है? एक ही टैबलेट लेनी है। कौन से खाने के बाद? सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। कौन से खाने के बाद? वन टैबलेट डेली विद एनी वन मील, किसी भी खाने के बाद एक बार एक टैबलेट लेनी है। तो डेली इसको देखती हूँ और सोचती हूँ कि कब शुरू करूँगी। तो जैसा कलर आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ऐसा ही कलर है टैबलेट का। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। एक हाथ में फ़ोन पकड़ के एक हाथ से काम करना थोड़ा सा टफ रहता है, पर मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाऊँ। कलर है 90 टैबलेट्स, यानी कि 3 महीने की डोज है। तो 3 महीने इसको खा के देखती हूँ मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। B12 की मेरी डेफिशिएंसी सारी खत्म हो जाएंगी, जल्दी इसको खाना शुरू करेंगे। यहीं से उठाई थी मैंने और मैं इसको ले जा रही थी कि कहीं मैं सोच के इसको रखूंगी, खाना शुरू करूंगी। आपसे बात करा, आपको दिखाया, यहीं वापस रख दी। मैं हर्षिता कह रही हूँ, एक जो वो चलाओ, किसकी कॉल आ रही है? कोरियर वाले बन रही है। हेलो, आप भेजे हो क्या? कुरियर वाले भैया की कॉल आ गई थी, एक कुरियर रिटर्न किया है तो उसका उन्हें OTP चाहिए था, वो मैंने उन्हें दे दिया है। और चलिए कुछ काम किया जाए। मैंने आप लोगों को दिखाया कि नहीं दिखाया? जो मैं यहाँ पे पाइप का कनेक्शन लगा है ना, दिखाती हूँ कि यहाँ से ये वाला ऐसे पाइप चेंज होके इधर लगे। मेरा ये पुराना वाला ही गैस स्टोव है, जब आ जाएगा तब कुछ नया दिखेगा आपको। यहाँ नई चीज़ कुछ मंगवा लो तो उसका वेट लगा रहता है कि वो कब आएगा और कब मैं उसे यूज़ करूँगी, है ना? सर्दी शुरू हो गई है पर तब भी छिपकलियाँ दिखती रहती हैं। और मेरी इस घड़ी का हो गया सेल ख़त्म, इसका सेल लेके आना है मुझे, जल्दी ही लेके आऊंगी।